नरम बचन सुन कंवर के उठी बात तन पीर, जो मैं ऐसा जानती मेरे पड़े पुत्र पर भीड़। ओ जे पहले पतो हो तो मैं तने ये जोग्य रस्ते नहीं जाने देती, पुण्य दान कराती, वेद विद्या पुराण सुनाती, जब गंगा तीर्थ जाए फिर मरनी बिठलाती, बड़ा पुण्य का रास्ता हो रहा, मैं जोगी कदे नहीं बन देती। अब गोपी चंद बतलाए, माता ये रा काम कुछ और है, योग कुछ और है। हे मां विपत कटे गुरु ज्ञान से और भूख कटे किए पान, प्यास कटे जल नीर से तो फिक्र कटे किए ज्ञान। माता फिक्र कटे किए ज्ञान दरी दरी, कटता हरी गुण गाने से सिर काल फंद का जाल, कटत सतगुरु की छड़िया खाने से पाप कटे गंगा राने से, ममता का जंजाल जब कटता है मैं से बन जो कमाने से, विपत कटे गुरु ज्ञान से मां, भूख कटे किए प्यास पान, प्यास कटे जल नीर से, फिक्र कटे किए ज्ञान, फिक्र कटे किए ज्ञान दरिद्र, कटता हरी गुण गाने से, सिर काल फंद का जाल, कटत सतगुरु की छड़िया खाने से। गुरु जी का घोटा जब तक ना लगे तो ये ममता को जंजाल छूटे नहीं मां। पर गीता से अज्ञान कटे, कुल पाप कटे गंगा नहाने से, ममता का जंजाल जब ही कटता, निश्चय मन जोग कमाने से, हित चित लाने से, शरण गुरु की आने से, कटे रोग अति शोक संत का दर्शन पाने से। आ बात फकीर जब माता ने कही है तो गुरु ने बड़ी दयाई और झट देनी, अपने चेले गोपी चंद ने गोद में लेकर के गुरु के लगे, हे बेटा अगर जे गुरु को कह लो मानूंगा तो देखो 984 सीधा में स्वर्ग पाताल गए मां, आपकी बात कदे हिणी नहीं देगी, ये मैं भीख लेने के लिए भेजो तेरे वास्ते, जके काजते राज छोड़िए, सुख आराम छोड़िए, वो कार्यो पूरो करने के लिए ही तन्ने रानी के कने भीख लेने भेजो। अब हाथ जोड़ दिया गुरुदेव, आपका हुक्म ने मुताबिक मैं अब और किसी जगह नहीं, पहले रानी कृष्णावती के महल में जाकर के अलख जगाऊंगा। गोपी चंद्र नवास में चले करण को भी करमंडल झोली ले तो गए नगर के बीच, नगर के बीच जाया घर घर में अलख जगाया है, नर नाल नगर घर बाल बगर कल जगत सगर भर माया है, जब शहर कदा में घूम सके महलों में नजर उठाया है, जाडो डो बीच आवाज नहीं कोई नार नजर नहीं आ रहा है, गोपी चंद्र निवास में चले करण को भीख कर मंडल झोली लिए गए नगर नजदीक, गांव में अलख जगाइए अपनो शंखनाद बजाइए, जा अलख जगाया
बाहर पर्दे के आया, दो जोगी को भीख नाज कल से नहीं खाया। माता तेरे द्वारे फकीर आए, कल वो भूखे सरदा रूपी भोजन दे। रानी ने उस वक्त में आया संजोया नान, भरदारी जल नीर कीर करने लगी स्नान। स्नान करने लग रही हे लोधियो बांधी, कोई फकीर आइए जल्दी कर, भीख दे गए मैनू बार कर भी दे। वो तो पर्दा तोड़ के अंदर आ गयो मेल गए। रसद दे न बांधी चली और ले रानी से भीख, पर्दा तोड़ कहां आ खड़ा, अरे ले परदेसी भीख। हे नाथ, ये रानी आपके लिए भीख दी है, पर मन लागे मैं पहले कदे थाने देखे नहीं, याद हमारे दर्शन किए तुम्हारे, बात खोल भीख ले जाओ जोगी मतवारे। आपने याद है तो बताओ, पहला कदे आ मेला में आया। फकीर बताया माई, अरे माई हम तो दरवेश है किसी जगह नहीं ठोर, सुरता सबके शहर में चले पवन के जोर। हे भाई जोगी जका हो गया, वह दिन रात वह घूमने फिरने गमा है, कोई एक गांव में रहने वाला तो वह नहीं, दुनिया से न्यारे नहीं घर बार हमारे, रात को करे विश्राम शहर के दूर किनारे। रात नहीं रात हो वो ही गांव में नहीं, गांव किलो दो किलोमीटर दूर। अच्छा तो लो महात्मा ये भीख, भीख तुम्हारे हाथ की बने दूध से नीर, पटरानी भिक्षा देवे तो बने आब की खीर। बांदी ये तेरे हाथ से भिक्षा मंजूर नहीं है, रानी ने कहो पटरानी ने कहो भीख ले आवे, अगर वो पानी देवेगी तो ही खीर है, और तू तू अगर जे खीर देवे तो भी पानी है। क्या रानी तुझे बकसती हरे अमृत का थाल, अरे मैं क्या तेरे खपर में दिया जहर विष डाल। मैं तो कितनी बड़ाई करने लाग रही हूं, कितनी आपकी प्रशंसा करूं, और तू रानी रानी पुकारे, रानी के तने अमृत देवेगी और मैं के तेरे खपर में जहर भर दूंगी। आखिरी तेरे मन को इरादों की है के चावे। देखो महात्मा, वो राजपूता की रानी है, 70 पर्दा में रहने वाली, तेरे जैसा हजारों मोड़ा इस जगह आवे, वो किंगे किंगे खातर भीख ले आवे। भीख लेनी है तो ले, वरना चल तो हो। हे बांदी, भीख लेने आयो हूं, भीख लेकर के जाऊंगा, पर एक बार बांदी पटरानी से ना कहो, तेरे दर पर खड़ा फकीर खुद भिक्षा ले हाथ में, उसे जल्दी करो बहीर, एरी जल्दी करो बहीर, गदा श्री अलक रूप का है वरदा। दुर्वेशों से क्या शर्म करे, तेरे खाक धूल काहे गंदा। कर दूर दफे दो मन में है भिक्षा दो रानी जो सरदा,
की जग माता हो हम पुत्रों तेरे क्या परवा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अरे पर्दो तो कोई इंसान होया करे, राजा आजे तो राजा होया करे, एहलकार मंत्री आऊं गृहस्थी आऊं पर्दो एक फकीर को के पर्दो है बांधी। कर दूर जो मन की शंका है, भिक्षा दे रानी जो तेरी सरदा, तुम फकरों की जग माता हो हम पुत्रों से फिर क्या पर्दा। वे माता हमारी हम ही है पूत भिखारी, नहीं देती है भीख बाती है कौन बिचारी। माँ एक अपने बेटे ने भीख नहीं दे सके तो वो फिर के देगी। अब बांधी जाकर के रानी ने कहा महाराज एक फकीर आइए आपके हाथ में भीख मांगे। तो रानी कृष्णावती कहने लगी भी फकीर ने कोल्डा मार करके मैलू दूर करो। बोलो नहीं क्यों हे रानी वो फकीर नहीं है तेरे सरगोताज महाराज गोपी चंदे। मैं पहले माने बहुत कुछ कह चुकी पहचान नहीं आई। आंखिया जाकर के देख सरदा लेकर के भीख दे तेरे द्वारे तेरो स्वामी माता माता खड़े पुकार के भीख मांगने लाग रहे। रल मिल सोला नारिया देखने चली दीदार, सुरत देखी महाराज की फिर मारी किलकार। ओ फिर मारी किलकार डार जो कुंजों की कुरलाती है। दस बार बिछोड़ा बल्ब का चकवी को रैन नहीं भाती है। करिया दपिया दी प्यारे को प्रीतम प्यारी दुख पाती है। कानन कुंडल पड़े देखे सिरपी तो बहुत गम खाती है। रलमल सोला रानिया देखन चली दीदार, सुरत देख महाराज की फिर मारी किलकार। फिर मारी किलकार डार जैसे कोई कुंजों की कुरलाती है। दस बार बिछोड़ा बालम का चकवी को रैन नहीं भाती है। सोला जो रानी शरण धो पिए पानी, भगवा वर्णन भभूत देख खोती जिंदगानी। रो रो क्लेश करे हे स्वामी हे महाराज आप माता जी हम जोगी अवधूत है। हे मां हम जोगी तुम जगधनी मत हाथ लगाइयो गात। तू दाता मैं मंगता मैं पुत्र तू मात। मैं किसी को राजा नहीं हूं मैं किसी को स्वामी नहीं हूं। मैं तो एक दाता के दरबार में एक भिक्षुक भिखारी खड़े हूं। हे माता भिक्षा दो माता हम भिक्षुक तुम दाता। इस दुनिया के बीच किसी से कुछ नहीं नाता। महाराज आप पागल हो गया हो जो घर की रानी ने माता बोलने लाग रहे हो। और जे ओई दिन दिखानो तो हे स्वामी फिर माने ब्याह गए इत्या ने क्यों कट्ठी करके ले आया। माता जी मेरे कर्म में लिख दिया हलकत का जोग, ख्याल करो तकदीर पर समझ करो मत सोग। हे माता मन के बिरो भी मेरी तकदीर आगे जाके किस तरह उगड़ेगी। अगर ऐसो जान तो ऐसो नहीं हो तो राजा हम सत फेरों की इस तरी और लाए पंच परनाय कंत सिर के सरदार को पुत्र कहानी जर।
सात फेरा लिया आपके सागे पंचायत के महात पकड़िए भी सर गया सरदार ने किस तरह पुत्र की हो जावे। माता किस्मत पर एक मत नहीं ना अजमत तकदीर लिखत भूमि अलबत बने जो कुछ लिखा तकदीर। जो दाता दिन दिखावे वे देखना पड़े जो नसीब में लिखी है वो लेनो पड़े। तो सुनो माता ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रो मृतक सकल शरीर को दे चिंता में खो ए दे चिंता में खो ये समझ सुर ज्ञान चतुर चतुर पटना दी जो बन जगत जंदाल जबर दस दिन है जो रिये जवानी समझदार हंस के भोगे मूर्ख रो करके भोगे। हे माता ये दस दिन वो जोर जवानी को है वो इसी तरिया कट जाएगो लद जाएगा डेरा कोई दिन रहन बसेरा नहीं पलक की आस गिनो कब सांझ सवेरा ही दमगो के पतु है। एक पलक की आस नहीं आपा साला की उम्मीद लिए बैठा ऐसो नहीं हुए। हे माता बहुत देर होगी और तू मने भीख दे अलख जगाते खलक में पलक पलक दो बाद पराधीन मसकीन हो फिरो मांगते नाज। सुबह लेके श्याम ताई घर घर अलख जगाओ एक एक दाने के लिए तरसता फिरोगा। हे महाराज आपकी ऐसी दशा भारू कब देखी जे। हाँ एक और मानो अगर जोगी करनुए तो महल के मां धुनो लगा लो सागे तो आपकी मैं सेवा करांगी आपकी भक्ति होगी। पर नहीं ऐसो नहीं होवे तो इतने गमा के सात साल की एक लड़की राजा गोपी चंद की बट रूप देख कन्या डरी और नेत्र लिए दोनी फिर जब बोल पहचान के तो लिपट गरी गल बीच लिपट गई गल बीच पिता को देख बहुत बेजार हुई बबूत देख बेहोश हुई तन लिपट गले का हार हुई बिकराल किया सिर धर में पछाड़ बीमार हुई तन ज्ञान लबो पर आज रही कन्या तो सख्त लाचार हुई लड़की सात वर्ष की बट रूप देख कन्या डरी नेत्र लिए दो उम्मीद फिर जबा बोल पहचान के लिपटी गले के बीच बाप की आवाज पहचान करके और बाज के गले के लिपट गए और मारत किलकारी मिलत नहीं मिटत खुमारी बाबुल तुम बिन कौन मुझे कहे राज दुलारी। हे पिता थे तो जोगी बन गए निकल गया अब मन्ने बेटी कह के पुकार नालो कुड़वे को दुनिया में सुता को देखी कलपति निरप भय दलगीर श्वास सकत तद बदन में तो ढल आए जल नीर सीनो एक एक फुट ऊंचो जाने लागे
और तो सब कुछ सह सको, पर ये जो बेटी को बोले ऐसी झलिया नेत्र वीर सुता को मोहब्बत कर धन से उठा दी। हाथ फेर पुछ कर रहे दुख चुप धान गल के लारी। उठा गोद सुता को प्यार किया बुद्ध बंद समझ में सुर पाई। ममता का दरिया व चढ़ा नैन घटा बरसन आई। आंसू कब रुके बड़ो प्यारो गोद में उठाइए मुगो लांड करिए। मुख व्याकुल होया देख दुस्तर तन खोया दुख कन्या का देख नृप गोपी चंद रोया। बेटी बतलावे पिताजी तुम बन खंड में चल दिए छोड़ दिए घर बार मैं चंद्री क्यों जन्म के जो तुम घर लियो अवतार। जे जोगी बन गई जानो तो मेरे जैसी बेटी ने क्यों पैदा करी। ऐसे तुम घर लिया अवतार पिता बिन मेरा कौन शीस पुचकारेगा। बिन तात नहीं सुख दात मिले गुण व्याका कारज सारेगा। दुख बिच मुसीबत बीच कौन बाबुल बिन कौन निहारेगा। चंद्री रे निर्भागल को बेटी के कौन पुकारेगा। पिताजी तुम जोगी बन के चल दिए छोड़ दिए घर बार अरे मैं चंद्री क्यों जन्म कर जो तुम घर लिया अवतार। तुम घर लिया अवतार पिता बिन कौन शीस पुचकारेगा। बिन तात नहीं सुख दात मिले कौन ब्याह का कारज सारेगा। उंडेगी ढेरी कौन गति होगी मेरी बिना तात सुता के गाय विपत तन पड़ी वो तेरी। कल ने मेरे दुख सुख गोसा थी मेरी सुनने वालों कौन है। तो के हे बेटी मां दादी तेरी मोसिया वही करेगी साब। मुझे मोहब्बत है नहीं और नहीं किसी से भाव। अब तो बेटा तेरी दादी है तेरी माँ है तेरी मौसी है यही तेरो सब कुछ है। मने अपने परिवार से मोह नहीं मेरे ना कोई बेटी है न कोई मेरे रानी है न मैं किसी को बाप हूं न किसी को राजा हूं। अगर जे भूल गई मेरे मुंह में रानी को शब्द लिख जे तो 84 जाऊं नरक में गोते खाऊं ना कोई भी और ना पूत राज घर किसके जाऊं। देखो बेटा ई तेरी माता ने समझा जके कार्य के लिए मैं घर बार छोड़िए राज आराम छोड़िए रानी को त्याग करिए तेरो त्याग करिए। अब जरा सी बात के लिए मेरी जो जोग जको वो बेकार होने लाग रही है। तो कह दे तेरी माता ने मने बेटो कह करके भीख दे दे मैं बड़ो ही वो आभारी हूं। कहे पुत्री सुन ज्ञान दे ए सुन सोला मेरी मात ना ये तुम्हारा कंठ घेर ना ये मेरा बाप। अरे ना ये मेरा बाप इसकी मत प्रति तजबर की जो अरे ना मरतन श्री राम भजन मुपलस की
रोज खबर लिखो तैयार करो मंदिर की घोर कबर की जो पुत्र के भिक्षा दे माता तुम दिल में जरा सबर की जो ए माता क्यों पागल बन रही हो। कहे बेटी सुन ज्ञान दे सुन सोला मेरी मात ना ये तुम्हारा कंत है ना ये मेरा तात या जानो मारे मारो राजा को नहीं रियो और मैं सबर करूंगी मेरो बाप को नहीं रियो। मोहब्बत मत पाले नाच को भिक्षा डाले रे क्या जोगी की प्रीत नाहक क्यों तन को जाले क्यों कया ने बालो माता जोगी किसी का मित्र को नहीं होया करे। बेटी की बात मान करके तमाम रानियां राजा भी का हमारे हाथ की अरे ले जोगी अवधूत वक्त आखरी बिछड़ता हम माता तुम पूत हम माता तुम पूत तात इनकी मत पड़ती तबर कीजे मजधार बीच में दगा दिया कोई अच्छी तोड़ निभाए चले बोलिए सतगुरुदेव भगवान राजा भी कमारे हाथ से ले जोगी अब धूत वक्त आखरी बिछड़ता हम माता तो पूत हम माता तू पूत तात इनकी मत परती जबर की जो हर नाम रटन श्री राम भजन मुफलस की रोज खबर लीजो हम माता कहे तुम पूत बने दुख वक्त मुसीबत पाय चले मजधार बीच में दगा दिया तुम अच्छी ओर निभाए चले तन कर दिया चूरन होवे तेरी मनसा पूर्ण हे पुत्र लो भीख होवे तेरा जोग सपूर्ण भय तो जोशी होवेगी बितावांगी पर तेरो जोग संपूर्ण हो। बेटो कह करके भिक्षा दिए पीठ फेर महाराज ने भरे नैन जलनी रानी देखी कलपति तो लरजा सकल सरी वो ममता क्यों आगे आंसू रानी और बेटी का देख करके एदी लरजा सकल सरी रे जिगर फट सीधा सा सफड़कता है हाथ कलेजा उछल उछल बिल के वो गीत धड़कता है बोलिए सतगुरुदेव भगवान। रानी रोती देख कर भरे नैन जल नीर रानी को देखी कलपति लरजा सकल शरीर पीठ दिखा करके चुप करके निकल चले किस जगह माता मैनावती का महल आ गया अलग जगाइए हे माता आज आज की रात तेरी नगरी महा कल चलिया जावांगा न जाने गुरु महाराज किस जंगल गमा कि न ले गए जावेगा हे माता केड़ा कब मिलांगा आखिरी तेरे हाथ में भीख दे दे तेरू मिलने के लिए आयो तो मां कहे हे बेटा और आलम अकलीम में सज्जन साख सुख से देखो बेटा जाओ गुरुजी को हुक्म बजाओ गुरुजी की सेवा करो पर एक मेरी बात न और माननी है चारों कुंट में घूमो पर एक साइड में नहीं जानो किस जगह विखम बंगाल में क्यों और आलम अकलीम में साक सज्जन नहीं सैब विषम बंगाले बीच में तेरी रहती माजाई बहन हे बेटा भी बंगाल में तेरू बड़ी तेरी एक बहन है जिसको नाम चंद्रावली है बिंगे देश बिंगे गांव नहीं जानू क्यों सुन ले चितला के नहीं दुख देना जाके
हम सीरा गरजार आएगा धक्के खाके भूल गए नहीं जानो। तो हे माता और सज्जन सब मिल गए कुटुंब बंधु परिवार, एक चंद्रावल बहन का अब जाकर करूं दीदार। हे माता सारो परिवार मने मिल लियो और वो बहन तो मेरी मेरे जानू प्यारी है। अरे ऐसो का दोस्त के मैं भाई होकर के भी बहनू ना मिलू। हे माता और वचन तेरो मानूंगा पर आ बात मानने वाली नहीं है तो ना बतलावे अच्छो नहीं है। भाई एक बहन के घरू भीख मांगे ले, अरे भाई तो वे जगह बहना ने देख रहे और तू भीख मांगने थोड़ी जावे। तो के घर बार से मुझको खो दिया और खोकर होई आनंद, अब मुझको करने लगी मई दिगर देश से बंद। ए माता मने घर बारू खो दियो, राजपाटू खो दियो, मेरे परिवारू खो दियो और अब आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी। हे मामे तेरो के बुरो करियो जो तू मेरे सागे ए बदला ले। रो करके फकीर अपने गुरु पर आ गए और गुरु जी के ना करके आदेश करी। आदेश करिए तो गुरु बड़ा प्रसन्न होया और कह लगा हे गोपी चंद बोल अब तेरे मन की के ख्वाहिश है। हाथ जोड़ दिया गुरुदेव मने कोई चीज की जरूरत नहीं, एक लगन है मेरी वो आपकी कृपा हो तो पूरी होए। के गुरुजी महाबंगाले बीच में गढ़ढा का एक नाम, उग्र सैन घर स्त्री तो चंद्रावल है नाम, चंद्रावल है नाम नगर कोई यहां से कोस हजार जगे। मद्रास बंबई पंजाब सूरत अब हाथों से सरदार जगे। हर किले खूब मणिपुर काल जगे, फुल कामरू देश बंगाले में मैं बहुत अदब गुलजार जगे। हे गुरुदेव एक ही लगन है गुरुजी महाबंगाले बीच में गढ़ ढाका दरमियान, उग्र सैन घर स्त्री चंद्रावल है नाम, ढाके गए मां मेरू मेरी बड़ी बहन उग्रसेन घर रानी चंद्रावल। हे गुरुदेव एक बार जे मेरी बहन का दर्शन करा दियो तो मैंने सब कुछ आयो जे। तो गुरु कहने लगे ये तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। बी टाइम गुरु और चेलो अपनी झोली खपर आशा सब काबू करे और दोनों गुरु पीर मनाए बाग में बिस्तर लाए, बैठे आसन मार अंग भभूतर माए। बहन गए गांव में जाकर के बाई गए बाग में धुनो लगा दिए, रात्रि को समो बैठ गए सुबह ने अडी के बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो आ कथा जटे सब घर बार से मुझको खो दिया और खोकर हुई आनंद, अब मुझको करने लगी दिग्र देश से बंद। हे माता घर परिवारू वस्ती नगर गांवू हर तरफ मने खो करके और फिर तू खुश हुई, अब यूं आगे अगर किसी में मिलनो चाहू किसी जगह जानो चाहू तो भी पाबंदी है तेरी। आखिर मैं तेरो ऐसो के बुरो करिए जो मेरो मन किसी को मिलनो चावे तू कभी जगह जानो नहीं। तो हे माता मैं आपकी सभी बात मानी पर ये जो बहन और भाई को मिलाप है ये बात तेरी मैं नहीं मानू, मैं अवश्य एक बार अपनी बहनों मिलूंगा। तो भी टाइम माता को ना कहनो मानता हुआ अपने गुरु को ना करके प्रार्थना विनती करिए गुरुदेव
सारी जिंदगी आपकी सेवा में रहूंगा। भी हूं पहले मेरे मन की एक ख्वाहिश है कि एक बार मेरे से बड़ी मेरी बहन चंद्रावली बिना दर्शन करा दो, फिर आप वो जी चावे जिस जगह मैंने ले चलो मैं चलने तैयार हूं। तो गोपी चंद की बात सुनकर के गुरु बड़ा दयालु हुआ और कहने लगे, हे बेटा ये भी तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो गुरु और चेलो दोनों पवन आधार होकर के गढ़ ढाके पहुंच गए। बहन के बाग में गुरु चेला ढूंढो लगा दियो। सुबह होते ही गुरु कहने लगे, हे गोपी चंद जो तेरे मन को चाव हो वो अब पूरो करने के लिए तू तैयार हो। सुबह को टाइम हो चुकी है और फकीर को कर्म है के नगर से तावनो नगरी में अलख जगावनी। तो देखो बेटा सागे तो बहनू मिलो और सागे अपने वास्ते भोजन भी लेकर के आओ। तो किस तरह मुर्शिद के सागिर्द से जती जलंधर नाथ जा गोपी चंद महल में तो बेटा भस्म लगा लोगात, भस्म लगा कर गात बच्चा उस उग्रसेन के घर जाना जिसके घर रानी चंद्रावल जा बहना के दर्शन पाना। शर्म करो बेधड़क मांग भिक्षा लाना, तुम चंद्रावल हम सीरा से मिलकर जल्दी ही आना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मुर्शिद के सागर दसे मानो गुरु के लगे, हे बेटा जा गोपी चंद महल में भस्म लगा लेगा, नगरी मालिक जगाओ नगर से ताउनो ये फकीर को कर्म है और भैनु मिलो। एक बात को ध्यान रहे, बहु देर नहीं लगाना, हमें गंगा जी जाना, कुरुक्षेत्र की धाम अभी कई तीर्थ नहलाना। तने बहुत सी जगह है घुमाने वाली, बहुत जगह घुमाऊंगा, जितनो जल्दी हो सके तू वापिस आ। गुरु की आज्ञा, नगरी में अलख जगावनो बड़ो चाव मन गमा और बड़े हौसले से गांव में अलख जगाई है, पर गांव को तो चाव कम, सीधो बहन के महल पहुंचे। जा शब्द सुनाया कान खलकत के पाया, लिया गुरु का नाम महल में अलख जगाया। फकीर की अलगी आवाज सुन चंद्रावल मगला दे बांदी, बांदी ने हुक्म दिए बांदी कोई फकीर आइए हीरा मोती जुहाल को थाल भरो और फकीर ने भीख दे। मगला मुकल बता तसो भरा रुपयो थाल, अरे मानक मोती मोर ये लिए पंच रतन भी डाल, ए पंच रतन लिए डाल निकल झट महलों से बाहर आई है। जब सुरत नाथ की नजर पड़ी बांधी सुध बुध सब बिसरारी है।
सेवा बांदी सनमुख नहीं आंख मिलारी है इस जुग जोगी जुगरावल का तन बदन देख शरमारी है मगला मुकलिब सातसो भरा रुपयो थाल मानक मोती मोर ये लिए पंच रतन भी डाल भीख लेकर के फकीर के सामने पहुंची है घूंघट कर लीना देख जोगी रंग भीना ये भिक्षा का थाल रानी चंद्रावल दीना महात्मा आपके वास्ते भीख आ गई है भिक्षा लो तो फकीर बतावे हे बांदी हीरा मोती लाल जोहार ये तो सेठ साहूकारा ने चाहिए राजा महाराजा ने चाहिए फकीर ने कुछ नाज दिलाना सून मुट्ठी भर लाना तुरत दान मा पुन बैठ के भोजन खाना अगर कुछ भोजन है तो दे दे बांदी हीरा मोती भेके करनु है तो बांदी बतलावे नाथ जोगी क्या धरदन लेता नहीं तेरा ना कुछ दोस्त फकीर आई घर तेरे लक्ष्मी तेरी क्यों फूटी तकदीर हे नाथ ऐसो के डरे जो हीरा मोती लाल जोहार की भीख देऊं और तू इनकार करे अरे सब कुछ ई पीछे से आवे अक्कल के मारे द्रवल बैठ किनारे रिजक उमर बरखा दरिद्र कट जाए तुम्हारे सारी जिंदगी एक जगह बैठ गिर के आराम उम्र बीता क्यों घर घर अलख जगावे मैं खुद अपनी हसमत तजी ऐसी मनी और लाल पनानी लम बोले सना गौरा गज गुरसाल हेरी गौरा गज गुरसाल छोड़ सब असरत एस बहार खड़े अपने घर मिंदर छोड़ दिए री हम सब बंगले से पार खड़े पूरा सिद्ध पद्म पांच ओ तजे हीरे लाल जोहार खड़े एक बहन मेरी चंद्रावल है हम मिलने के इंतजार खड़े हीरा मोती लाल जोहार अरे तू तो एक थाल भर करके ले आई है हे बांदी ऐसा मैं खजाना भरिया छोड़ करके आयो पुखराज पुरातिन पद में पांच तज हीरे लाल जोहार खड़े एक बहन मेरी चंद्रावल है हम मिलने के इंतजार खड़े कहो भिक्षा पावे हमें आदर्श दिखाए ले बहना से भीख फेर किसी वतन को जाए बांदी बतलावे इतनो बड़ो तू राजा हो और भाई भाई जद अपनी बहन के द्वारे आवे तो वो बहन के खातर कुछ लेकर के आवे हे नाथ परिवार को त्याग कियो राणियां त्याग दी राज त्याग दियो तो चंद्रावल सह गए सो के सने मुंह है जो इनको प्रेम तने मजबूर कर दियो मिलने के लिए महात्मा हो करके फिर भी इतनी ममता तेरे मन में रहेगी ऐसो के ना तो है जोगी जी भैया बना और आया बहन घर बीर क्या बहंगी
पकवान की, क्या लाया दखनी सीर। के वस्तु है भाई की, के निशानी है। भाई जब अपनी बहन के द्वारे जावेगो तो भाई के कने बहन के खाने के लिए कोई फल फ्रूट होवेगा, उठाने के लिए कोई सुंदरी होवेगो, कुछ नहीं तो दो रुपया हाथ में देने तो जरूर होवेगा। पर तू तो खपर लिए मांगन ना ये भाई हो जका बहना के घरे मांगने को नहीं आई करे। इतनी सुन जोगी रावले ओए चिंता में गलतान, बहती बूंद भी लात की तो जालागी सुल्तान। ए जालागी सुल्तान बात सुन, सरमसी सिर पर छाई है, मुख मोड़ धरती को खोद रहा सहरे पर जर्दी आई है। ओ कर नीचे सस में निवा बैठा, सन्मुख नहीं आंख मिलाई है, करैया दराज को रोने लगा जब बांदी ने बोली लाई है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आंख में आंसू आ गए राजेश्वरी, वो गुस्सो दिल गम आई, हाथा मोल खरीदी हुई जकी की औकात कोनी सामने देखने की, और वो जबान लड़ाने लाग रही है। फिर अपनी औकात देखी, गुरुजी को वचन याद आयो, फिर कर नीचे ससम निवा बैठा, ऊपर नी नजर उठाई है, कर याद राज को रोने लगा जब बांदी ने बोली लाई है। काया कुम लाए नैन से आंसू आए, कर रहा सोच विचार बात बनने कब पाए। आज मेरे कने वो धोलागढ़ को राज हुए, और जिस समय में राजा हो तो हे बांदी तेरी ये औकात कोनी के तू मेरे सामने देख सके। राज आज को समय और बात और है, पर एक बात कहूं, एक कह दे मेरे जाकर के महल गमा के तेरो भाई अपनी बहन मिलन आई है। बांदी फिर वो ना बहेगी तो मैं चलो जाऊंगा। हे नाथ, महाराज गोपी चंद सर्व दुनिया जाने, सूर्य जैसी किरणा निकले इतनो सुंदर रूप, और तू एक जरा सो रूप को मालिक हो करके अपने आपने खोयो फिरे नाथ, के मैं राजा गोपी चंद हूं ई भरोसे में नहीं रहनु है। तू जाएगा मारा नहक सिर जाए उतारा, सुरत देख मत भूल मान जा कहा हमारा, चलो जा नाथ क्यों हट कर रखिए। तो फकीर बताए बांदी ये भी अभिमान गुमान नहीं होना चाहिए, क्यों आदम दे पर नो दिशा आती है हर साल, कोई दिशा अनधन करे कोई कर देती कंगाल, कोई कर देती कंगाल मेरे पे एक जन्म दिशा ऐसी आई, छह साल बरस की उम्र बीत खुद वे खुद मिलेगी बाद स्याही।
ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਗਈ ਤਜ਼ਰਾਜ ਖਾਕ ਸਰ ਮੇ ਪਾਈ घर आन बाद स्या मिलते थे अब बहन मिलन को ना आई आदम दे पर नौ दिसार आती है हर साल कोई दिशा अनधन करे कोई कर देती कंगाल वक्त को कभी गुमान नहीं करना चाहिए हे बांदी एक तो वो समय हो छह साल की उम्र हुई बी टाइम अपने आप खुद ब खुद धोला गडगो में राजा बनू दूर दूर का रजवाड़ा घर बैठे मिलने आया करता पर कह जब और दशा तर कौन गरी तज राज खाक सिर में पाई घर आन बाद स्या मिलते थे अब बहन मिलन को ना आई ऐसी करड़ाई अचानक गिरदस आई दिया ग्रहों ने जोर सभी घर भीख मंगाई तो ये तेरो दोस्त नहीं है बांदी ये कुछ आज वक्त कहने लाग रही है ये वक्त को आने लाग रही है बांदी फिर कहे चंद्रावल की तरफ से हर बार जिक्र मत छेड़ उग्रसेन राजा सुने तेरी देगा खाल अधेड़ रे देगा खाल अधेड़ मार डालेगा नाथ सैलानी को तू गस में गाफिल हो करके खो बैठे तेरी जिंदगानी को हर बार घड़ी मत याद करो मेरी चंद्रावल पट रानी को रंग रूप हुसन का मान करे क्यों तकता नार बेगानी को नाथ चंद्रावल की तरफ से हर बार जिक्र मत छेड़ उग्र सेन राजा सुने देगा खाल अधेड़ मार डालेगा नाथ सैलानी को अरे गस में गाफिल हो करके खो बैठे तेरी जिंदगानी को मान जा मेरो कहनो चलो जा हर बार घड़ी मत याद करो मेरी चंद्रावल पटरानी को रंग रूप हुसन का मान करे अरे क्यों तकता नार बिगानी को उठ जा परदेसी हुआ क्यों महाकलेसी रानी पर्दा तोर नहीं आवे दरपेसी तेरे जैसे हजारों गदा भीख मांगने के लिए आवे तेरा खातर रानी बादू बेली कौन बैठी जो भीख लेकर के आवे